वेलकम टू माय चैनल टेक जितेंद्र नाडोल। और आज का मेरा वीडियो होगा कि मैं बताऊंगा कि अपने लारावेल ट्यूटोरियल्स का, ये मेरा ट्रिक्स एंड टिप्स का वीडियो है। जो लारावेल में मैं आपको बताऊंगा कि जो फोरिच है, जो कि सबसे काम का हमारा लूप है जिसमें डेटा रेंडर होता है, आप डेटा डिस्प्ले करा सकते हो, तो मैं उसको बताऊंगा। उसके लिए सबसे पहले आपको, क्योंकि फोरिच में डायनेमिक डेटा होता है, तो मैं बताऊंगा आपको कैसे करना है, ठीक है। तो डॉलर डेटा मैंने ले लिया, उसमें मैंने अरे बना दिया जिसमें डेटा आपने, जैसे कि अपने चैनल का नाम लिख दिया मैंने, जैसे टैग जितेंद्र नाडोल, अलग अलग दो तीन वैल्यूज़ है, ठीक है। अब करना क्या है मुझे, डॉलर डेटा को यूजर्स में, के मतलब व्यू में पास कराना है, ठीक है। तो मैंने यूजर्स में डॉलर डेटा को पास करा दिया, ठीक है। तो उसके समीकरण भूल गया था मैं, समीकरण लगा के फिर वापस जाऊँगा मैं, ठीक है कुछ है? अच्छा हाँ, क्योंकि जो मैंने यहाँ पर लिखा था वो एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी मैंने यूजर्स लिखा और यूजर्स में तो तीन वैल्यू है, तो भाई एक वैल्यू तो प्रिंट होगी नहीं, तो इसलिए ये, ठीक है। तो मैं आपको भाई ये मैं बाद में बताऊँगा आपको पक्का। सबसे पहले भाई इसमें डायरेक्ट सजेशन भी आ रहा है, लेकिन मैं बोलूँगा नहीं आपको, मैं वो डायरेक्ट करके बताऊँगा। जैसे एट द रेट, इसमें एट द रेट होता है फोरिच, ये की नेम, की और की नेम जैसे यूजर्स है, तो क्योंकि हमने डॉलर डेटा को यूजर्स में पास किया है, तो इसलिए की नेम आएगा उसका यूजर्स, उसके बाद एज, जो भी आपको नाम लिखना है, डॉलर आइटम्स, डॉलर डेटा, जो भी, वॉट एवर यू वॉन्ट टू टाइप हियर यू कैन टाइप, एंड देन यू हैव टू टेक एनी वन ऑफ टैग लाइक H1, H2, H3, एनी वन ऑफ टैग, ओके। एंड देन यू हैव टू राइट देयर एंड फोरिच, बिकॉज व्हेन यू यूज एट दैट फोरिच, देन यू हैव टू, यू मस्ट हैव टू यूज एट एंड फोरिच, बिकॉज इसमें क्या है कि कर्ली ब्रेसेस का यूज़ नहीं होता ना। मतलब ये इतना शॉर्ट ट्रिक्स बनाया गया है, आप देख सकते हो, वी कैन सी यहाँ पर डेटा प्रिंट हो रहा है हमारा, डॉलर डेटा फोरिच जो हमने डायनेमिक डेटा जो उसमें कराया था वो प्रिंट हो रहा है, डॉलर डेटा इसमें जो वैल्यू है वो प्रिंट हो रही है, आप देख सकते हो, ठीक है। ये लारावेल का ट्यूटोरियल से टिप्स एंड ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। अभी हेलो के बाद मेरा नेम प्रिंट करना, चलो ठीक है, कुछ भी मुझे प्रिंट करना है, जैसे जितना था अभी प्रिंट करना है, तो बता दो कैसे करना है, ठीक है। अभी करना क्या, सिंपली आपने ये, इसको मैं पहले चेंज कर देता हूँ कि आपको पता चले, ठीक है, ये चेंज हो गया। देन अभी ये करना क्या है आपको, इसको डबल कर्ली ब्रेसेस, इसमें ये मतलब कि लारावेल में क्या है कि आपको PHP लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें ब्लेड टेम्पलेट क्या करता है, प्रिंट टेम्पलेट करता है कि प्रिंट टेक्स्ट को PHP कोड में कन्वर्ट करता है, ठीक है। अब ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे मैंने अरे लगाना भूल गया, क्यों कि मेरा उस डॉलर डेटा में जो अरे में तीन वैल्यू पड़ी है, तो भाई कौन सी यूज़ करनी है पता नहीं, ठीक है। तो वन, जैसे आप देख सकते हो मैंने वन लिखा, क्योंकि अरे हमेशा 0-1 से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है, तो इसके अभी जितेंद्र मेरी सेकंड वैल्यू, मतलब उसका जो नेम होगा वो 1 पे है, ठीक है, तो जितेंद्र प्रिंट हुआ। अगर मैं यहाँ पे 2 लगाऊंगा तो 0 लगाऊंगा तो